एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गूगल ने फर्जी लोन ऐप को हटाने का काम किया है, गूगल एहतियात बरते तो बेहतर होगा। मिश्रा ने कहा, कांग्रेस में नेताओं की कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गूगल द्वारा अनाधिकृत रूप से लोन ऐप संचालित करने वाले मोबाइल ऐप को हटाने का निर्णय स्वागत योग्य है। बेहतर होगा कि भविष्य में भी गूगल ऐसी ही एहतियात बरते, अन्यथा कार्यवाही होगी। मैंने कल ही कहा था कि लोन से संबंधित सभी अनाधिकृत ऐपों पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब गूगल ने ऐसे सभी ऐपों को अपने प्ले स्टोर से हटाने का जो निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ये निवेदन भी करता हूं गूगल कंपनी के सभी अधिकारियों से कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और एहतियात बरतें कि इस तरह के अनाधिकृत ऐप किसी भी रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाएं। ये पहली बार था, इसलिए हमने कहा है, दूसरी बार कार्रवाई हो। मिश्रा ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है, कांग्रेस को चाहिए कि वो खुद पर ध्यान दे। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होने के पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है। इस सप्ताह में 3 विकेट हो गए। आनंद शर्मा ने पहले पद छोड़े, गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ दी, परसों उनके प्रवक्ता ने कांग्रेस छोड़ी थी। मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, भगदड़ का आलम है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। धारा 370 हटी तभी से कश्मीर में जम्मू में आज़ादी की बयार चल रही थी। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस छोड़ के इस हवा को और तेज कर दिया। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।